लगातार मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। नौहिंसा मामले को लेकर बात करेंगे क्योंकि मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। 2 दिन में जहां पुलिस मामन खान से पूछताछ करने वाली है तो सियासी बयानबाजी भी एक बार फिर से तेज हो गई है। ऐसे में चर्चा होगी मामन खान के हिंसा कनेक्शन को लेकर। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नूह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जी हां, विधायक खान को जयपुर से गिरफ्तार किया गया तो अदालत में पेश कर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। मामले में नूह ऐसी जानकारी दी और बताया कि मामन खान दंगाइयों के संपर्क में थे और हिंसा वाले इलाकों के आसपास उनकी फोन लोकेशन पाई गई। तक के जो तथ्यों के से साबित हुआ है कि ये वायलेंस से कुछ देर पूर्व तक वहाँ पे मौजूद थे। सारे तथ्य इन्वेस्टिगेशन का विषय हैं और इनको आज रिमांड पर लेकर उन सारी चीजों के बारे में सच्चाई सामने आ सकेगी। सोशल मीडिया से वायलेंस इंसाइट करने में अब तक 11 मुकदमे दर्ज हुए हैं 11 लोगों के खिलाफ और उनमें से 5 लोग अब तक अरेस्ट हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की ओर से कहा गया कि मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए लेकिन मामन खान के खिलाफ राजनीतिक साजिश के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। साथ ही कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग कर डाली। एक इनका एजेंडा है, उस एजेंडे पे काम करते हैं। हिंदू और मुसलमान का एजेंडा है, उस पे काम करने का काम करते हैं। मोनू मानेसर को तो देवता बताते हैं, बद्रो बिट्टू बजरंगी इनके महादेवता है और जो कांग्रेस में जुड़े लोग हैं वो इनके विरोधी है, तो उसकी जांच क्यों नहीं कराते? क्या इनको दिक्कत? हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराए ना, दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। प्रदेश का गृह मंत्री के लिए दुख की बात है, कहते हैं मुझे तो किसी व्यक्ति ने बताया, मुझे पता नहीं लगा, उसकी पुलिस उसको बताती नहीं और रोजाना इस प्रकार के बयान देते। उधर बीजेपी नेताओं और मंत्रियों की ओर से कहा गया कि कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, पुलिस प्रशासन का जो काम है वो पुलिस प्रशासन, मामन खान भी कोर्ट में गए थे, वो भी अपनी अगर जमानत चाह रहे थे, ये भी गए हुए हैं, तो ये भी एक न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस की प्रशासन की प्रक्रिया का हिस्सा है और पुलिस प्रक्रिया और न्याय प्रक्रिया जो है वो अपने हिसाब में, इस हिसाब से जो जो चीज़ें घटित होती हैं उसमें मुझे लगता है कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट की या उसकी आवश्यकता मुझे लगती नहीं। इसमें जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो हमने पहले कह दिया था और जिस प्रकार का माहौल वहाँ पर बना उसमें जो विधायक हैं मम्मन खान वो बिना इंक्वायरी के बाहर भी अगर हम देखें तो हमें दिखाई देता है इस प्रकार का माहौल, लेकिन जो कार्रवाई है तो जो जांच है उसके बाद ही बड़ी है, क्योंकि जिस प्रकार का बयान उसका विधानसभा में भी था वो भी गैर जिम्मेदाराना बयान था, कोई जनप्रतिनिधि इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। और जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि जहां जहां भी हिंसा हुई वहां वहां पे मम्मन खान पाया गया, जो इंक्वायरी है उसमें जो रिपोर्ट आई उसमें, तो स्वाभाविक ये है कि जिस प्रकार से सारा घटना हुई और इंक्वायरी में अगर उसका नाम है तो निश्चित तौर से उसको गिरफ्तार किया गया। नहीं, मेरा ये कहना है, देखो ये विवाद का नहीं, पूरे मामला प्रदेश का, और जो भी इसमें लोग दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर मामन जी ठीक है तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, मैं ये तो नहीं किसी से द्वेष है भावना है, और किसी से ना द्वेष है ना कोई इस तरह की भावना रखने की है, तो इसमें जो भी इंक्वायरी, बहुत से लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, इसकी इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी दूध का दूध पानी का पानी होगा। जाहिर है नूह हिंसा के बाद से मामन खान लगातार सुर्खियों में है। पहले सदन में दिया गया बयान, उसके बाद भड़काऊ पोस्ट के आरोप और फिर हिरासत में लिए गए आरोपियों की ओर से मामन खान का नाम लिए जाने से ये साफ था कि मामन खान की मुश्किलें तो बढ़ने वाली हैं। और अब गिरफ्तारी के बाद 2 दिन का पुलिस रिमांड, इन 2 दिन में मामन खान से गहन पूछताछ होगी। बहरहाल देखना ये होगा कि नूह हिंसा मामले की जाँच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।
चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा के मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता सुदेश कटारिया जी, हरियाणा कांग्रेस प्रवक्ता रमन सिंह, इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेडू, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी सुखवीर तंवर जी स्टूडियो में हैं, विश्व हिंदू परिषद से देवेंद्र सिंह यादव जी भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और मेहताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत कटारिया जी आपसे, मामन खान को गिरफ्तार किया गया, दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। आरोप कहीं ना कहीं सरकार पर ये है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये कार्रवाई हो रही है और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जाए, कांग्रेस ये मांग कर रहे हैं। आपकी आवाज नहीं मिल रही कटारिया जी। चलिए रमन जी, आपका रुख करते हुए, मामन खान को पहले देखिए दो बार जांच में शामिल होने के लिए बुलाती है एसआईटी, नहीं जाते, लेकिन अब गिरफ्तार कर लिया गया है, दो दिन के रिमांड पर भेजा गया है। सरकार से जुड़े नेता ये कहते हैं कानून अपना काम कर रहा है, दोषी पाए गए तो कड़ी सजा दी जाएगी। देखिए ज्योति जी, बात सीधी और स्पष्ट है, कानून को अपना काम करना चाहिए, हम उस बात का विरोध नहीं करते। जैसे आज हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, माननीय उदय भान जी ने, कि जांच अगर सही है तो हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये राजनीतिक मुद्दों को देखते हुए और कुछ और सरकार द्वारा जो परसेप्शन गलत बनाई जा रही उसके तहत होगा तो ये बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं एक चीज पूछना, कहना और देखना चाह रहा था इस प्रांत में, क्या एक कानून है सबके लिए? मामन खान जी अपने लोगों के बीच में थे, क्या उनका वहां से चले जाना या वहां पे रहना कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो चुने हुए विधायक है उस क्षेत्र के। दूसरी बात ये है कि वो बुजदिल नहीं थे, ना ही वो हिंसा भटकाने वाले व्यक्ति थे, अपनों के बीच में थे, लेकिन इसको उस चीज से जोड़ा जाए ये गलत है। इन्होंने कहा कि ये हो गया, इनके मंत्रियों ने कहा वो हो गया, पहले दिन से कांग्रेस पार्टी ने ज्योति जी ये कहा कि इस मामले की उस स्तरीय जांच हो, माननीय हाई कोर्ट के नेतृत्व में जुडिशियल जांच हो, कमेटी बनाई जाए, कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, जो दोषी है उसको किसी सूरत में ना बख्शा जाए। लेकिन मैं एक कानून और एक सरकार के को भी बेनकाब करना चाहूंगा, आप तो खुद एक नारी शक्ति का हिस्सा है, एक इनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई है कोर्ट की, और शर्म की बात है कि एक प्रांत का मुख्यमंत्री ये कह दे कि हम इस्तीफा नहीं लेंगे, जिसके खिलाफ 354A, 354B, 506, 509 आईपीसी लगी हो, ये कैसा कानून और कैसी सरकार है इस प्रांत में ज्योति जी, क्या ये विषय नहीं है? आज उस मामले को हिंदू मुसलमान ब्रह्मांड भटका के और कुछ और करके सरकार दूसरी तरफ लेके जाना चाहती है, लेकिन हरियाणा की 2,70,00,000 आवाम ने ये देखा है किस दौर में किस माहौल में ये सब किया गया है, और सरकार का जहां सीआईडी फेल हुआ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ, प्रशासन में रहे हुए एसपीडीसी छुट्टी पे थे और आज मामन सिंह जी को गिरफ्तार कर लो, ये कानून बचा है, तो आपने संदीप सिंह का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जिसके खिलाफ चार्जशीट पेश हुई है माननीय कोर्ट में, उसका तो मुख्यमंत्री जी छाती पीट पीट के कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ऐसे ही महिलाओं के, औरतों के, हमारी बहनों के कपड़े फाड़े गए, ये कैसा प्रांत बनने जा रहा है? 36 बिरादरी का भाईचारा इस प्रांत में है, आगे भी रहेगा, लेकिन जब से सरकार आई है बार बार जला है, गोलियां चली है, जाति धर्म का जहर घोला गया है, सब देख रहे हैं लोग, ठीक है, कटारिया कौन है या कौन नहीं है। कटारिया जी आपने सुना रमन जी को, साथ ही हरियाणा कांग्रेस के बहुत ज्यादा नेताओं की ओर से तो रिएक्शन नहीं आए हैं, लेकिन अशोक अरोड़ा को हमने सुना, अशोक अरोड़ा ये कहते हैं आप लोगों का एजेंडा है हिंदू मुसलमान का, आप लोगों की नाकामी थी नूह में और ये नाकामी का ठीकरे आप लोग फोड़ रहे हैं मामन खान पर। देखिए ज्योति, शुरू से अगर आप देखें तो प्रदेश की जनता के सामने इनका चाल 73 चेहरा सामने आ गया है। शुरू दिन से अगर मैं बात करूं विधानसभा से लेकर, जो विधानसभा की कार्यवाही हुई, मामन खान ने कहा कि अगर हम इस प्रकार की कोई यात्रा निकले, इस प्रकार के कोई व्यक्ति आए तो हम प्यासी फोड़ देंगे, वो भी बात चलो छोड़ दीजिए, जिस प्रकार से मामन खान का नाम आया, मोनू मानेसर का आया, बिट्टू बजरंगी का आया, जिन लोगों के नाम आए, पुलिस की एसआईटी गठित है, एसआईटी ने बार बार बुलाया, लेकिन सबसे पहले मामन खान का एसआईटी के सामने पेश ना होना सबसे बड़ा यह दर्शाता है कि वो दोषी है। बार बार बुलाने के बाद वो
वहां शामिल जांच नहीं हुआ। और मैं रमन जी की जानकारी दुरुस्त कर दूं, जो संदीप सिंह जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज था 76 घंटे की पूछताछ SIT ने की है। दूसरी बात, आज प्रदेश की जनता के सामने इनका चाल चरित्र चेहरा इसलिए सामने आ गया है कि एक ऐसे व्यक्ति जिसने प्रदेश को जलाने की कोशिश की, एक ऐसा व्यक्ति जिसने प्रदेश का भाईचारा खराब करने की कोशिश की, जिसने प्रदेश को तार तार करने की कोशिश की, जिसने प्रदेश के लोगों को मरवाने का काम किया, खून की होली खेलने का काम किया, एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कैसे लामबंद है लोग। कम से कम आज उसकी गिरफ्तारी हुई है और अदालत ने भी माना कि इसका कहीं ना कहीं हिस्सा है, तभी तो उसको रिमांड पे दिया। अरे अदालत पे तो भरोसा की दिया, आज तो कहती थी अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दो, लेकिन नहीं, उसके पक्ष में खड़े हैं लोग। तो ज्योति जी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हरियाणा जला, जात आरक्षण, आप देख लीजिए किस प्रकार से जो इनका मीडिया एडवाइजर था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वीरेंद्र जी, उनकी ऑडियो सामने आई, उन पर मुकदमा चला, वो भी कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। इन लोगों का काम ही है प्रदेश को जलाना, प्रदेश में भाईचारा खराब करना, अमन चैन खराब करना। लेकिन आज मैं ज्योति जी बता देना चाहता हूँ, आज प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार है, संविधान के अनुसार चलने वाली सरकार है। अगर कोई दोषी होगा, चाहे बड़े से बड़ा नाम हो, छोटे से छोटा हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब मामन खान जी अगर पहले उस जात में शामिल हो जाते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, वो भाग इसलिए रहे थे कि दोषी है। तो ज्योति जी इस प्रकार इन इन इनको इस बात की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जो जान माल की वहां हानि हुई है, जो लोग वहां मारे गए हैं, जिनकी जाने गई है, क्या उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस लेगी? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसकी जिम्मेदारी लेगा? रमन सिंह जी से यह भी पूछिए। नहीं, जिम्मेदारी तो सरकार लेती है ना। मैं बता रहा हूँ, हम तो जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी क्यों जिम्मेदारी कर रहे हैं, लेकिन लेकिन जब दोषी पाया गया, क्या जिम्मेदारी लेंगे? दोषी अगर पाए गए तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन अच्छा कुछ हुआ उसकी शाबाशी भी, और गलत कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए सरकार होती है कटारिया, आप जानते ही। मैं कह रहा हूँ हम जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन दोषी पाए जाने के बाद उनके साथ खड़े होंगे क्या? उससे जान माल की रक्षा करवाने की, उनकी भरपाई करवाने का काम करेंगे? चलिए रेणु साहब को चर्चा में जोड़ती हूँ। विजेंद्र जी, कटारिया जी कह रहे हैं कि उन्हें पहले से पता था मामन खान चूंकि हिंसा में शामिल थे, उन्हें जानकारी थी, तभी वो बार 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 जांच से पूछताछ से भाग रहे थे, SIT के सामने पेश नहीं हुए। ज्योति जी देखिए, जांच का तो विषय है ये, हम इसमें जल्दबाजी में कुछ नहीं कह सकते, और जहां तक ये कह रहे हैं कि जांच से भाग रहे थे वो मामन खान जी, कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर था कि एक पक्षीय जांच होगी, और वो कांग्रेस के लोगों ने, देखिए मैं बिल्कुल निष्पक्षता से ये कहना चाहूंगा कि जिस दिन ये घटना घटी उसी दिन से हम बार बार यही बात दोहराते आ रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, और जो भी दोषी हो उस दोषी को सजा मिलनी चाहिए, और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो जांच हो, जांच वो पुलिसिया जांच की बजाय किसी सिटिंग जज से जांच की डिमांड शुरू से की जा रही है। सरकार ऐसी जांच से क्यों बचती जा रही है? क्यों सरकार निष्पक्षता के साथ, जो विपक्ष की भी मांग है उसमें विपक्ष भी संतुष्ट होगा, लोग भी संतुष्ट होंगे कि भाई हाँ ये सिटिंग जज से जांच करवा देगी, इसमें कहीं कोई क्वेश्चन उठेगा ही नहीं। हमारा तो ये मानना है कि सरकार जो है ना दोषी को सजा दिलवाए, जरूर दिलवाए, लेकिन उस जांच के ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए। वही बात पुराने वाली मैं फिर कहूंगा कि सरकार को डबल करेक्टर लोकतंत्र में नहीं रखना चाहिए, सिंगल करेक्टर रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का है, किसी भी समुदाय का है, किसी भी समाज का है। यदि वो गलत है तो गलत को सजा होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से सरकार जो है एक जिद पर उड़ी हुई है, क्यों नहीं वो सिटिंग जज से जांच करवाती, क्यों नहीं एक ऐसी कमेटी बनाती जिसमें विपक्ष के भी व्यक्ति शामिल हों, और वो कहे कि हाँ भाई जो रिपोर्ट आई है वो सही आई है, उनको सजा दो। अगर मामन खान को कौन सा अधिकार है दंगा भड़काने का, उसको भी कोई अधिकार नहीं है, और जो है ना दूसरे लोगों को भी कोई अधिकार नहीं है कि दंगा भड़काए और समाज में अशांति फैलाने का काम करें, ऐसे लोगों को सजा हो, लेकिन गलत व्यक्ति को ना हो, निर्दोष को ना हो। कहीं ना कहीं मामन खान को ये भय सता रहा होगा कि भाई मैं जो ना कोर्ट से अग्रिम जमानत ले लेता हूं, हालांकि उनको जमानत नहीं मिली है, ये एक अलग विषय है, लेकिन उन्होंने प्रयास किया और वो जांच से ही डर के भाग रहे थे कि जांच निष्पक्ष नहीं होगी और कहीं ना कहीं गलत तो तरीके से दबाव बनाकर कोई गलत बात मेरे से ना भरवा ली गई। विजेंद्र जी क्लीन चिट दे रहे हैं मामन खान को? बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, नो क्लीन चिट। तो आप ये नहीं कह रहे कि गिरफ्तारी का गलत क्या होगा? आप बार बार ये कह रहे हैं कि उनको जांच पर भरोसा नहीं था, कि एक तरफा जांच होगी इसलिए वो सामने नहीं आ रहे थे, तो आप दोनों पहलू रखे ना। फिर
हाँ वो तुम सारे सारे डिमांड कर रहे हैं, हम भी डिमांड कर रहे हैं कि सिटिंग जज से उसकी जांच होनी चाहिए। पुलिसिया जांच के ऊपर भरोसा नहीं है। पुलिसिया जांच, आपने एक बात बताई है ज्योति जी, हमें जिस प्रकार से ये कहते हैं कि हम संविधान के अनुसार सरकार चलाने वाले, क्या संविधान नहीं कहता, क्या संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि संदीप का इस्तीफा होना चाहिए था? क्या कानून के दायरे में ये नहीं आती? संदीप के लिए आप जो है हरियाणा में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अलग से बना देते हो, चंडीगढ़ पुलिस अलग से इंक्वायरी कर रही है, जांच कर रही है, मुकदमा वहां पर दर्ज है, लेकिन इस मामले में क्यों नहीं आप ऐसे कर रहे हो? क्यों नहीं आपने ब्रजभूषण के को अरेस्ट करने का काम किया? वहां पर संविधान कहां चला गया था? वहां क्यों नहीं संविधान के इज्जत रखने का काम किया गया? देखिए मैं बार बार कहता हूं सरकार को सिंगल करेक्टर से काम करना ठीक चाहिए। मैं अभी चर्चा में आगे बढ़ती हूं, आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ूंगी। जहां तक आरोप लगने के बाद इस्तीफा लिए जाने का संविधान में या कानून में तो कोई प्रावधान नहीं है। सरकार चाहे, सरकार की मुखिया चाहे तो ये कर सकते हैं। सरकार क्लियर कर चुकी है जांच हो रही है, अगर दोषी पाए गए तो कड़ी कार्रवाई भी होगी। और मामन खान को क्यों अरेस्ट किया? मामन खान को तो जांच में शामिल किया जा रहा है ना। मामन खान पर भी तो आरोप ही लगे हैं। एसआईटी के सामने पेश होने के लिए कहा जा रहा था। संदीप सिंह की जांच में शामिल नहीं हुआ ना, जांच में शामिल होने तक की बात है ना। ये तो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। ज्योति जी, संविधान में क्या है और क्या नहीं है, तो इसका मतलब आप संदीप सिंह को बेगुनाह मानते हैं? वो 76 घंटे की पूछताछ एसआईटी के सामने कर चुके हैं। क्या मामला खान एसआईटी के सामने जा रहा है? मैंने बताया कि सरकार क्या कह रही है इस मामले में, सरकार का क्या कहना है? आप किसी को यहाँ दोषी या दुर्गुना बनाने के लिए या बताने के लिए नहीं बैठे हैं। और ये सारे उसमें शामिल हो रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं कर रहे हैं? सम्मान कानून नहीं है। हजारों दंगाई है, वो कोई एक जगह से नहीं है, एक जगह से नहीं है। रेडू जी, मैं आम आदमी पार्टी को भी चर्चा में जोड़ती हूँ। यादव जी आपके पास भी आएंगे, इंतजार कीजिए। सुखबीर तंवर जी, देखिए जो अभी तक की ठीक है रेडू साहब, आप अपनी बात बहुत विस्तार से कह चुके हैं, अभी आप सुनेंगे, अभी आप सुनिए रेडू साहब, सुनिए, अभी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुनिए, डिबेट को आगे जाने दीजिए। अभी जो लोकेशन है मामन खान की, वो हिंसा वाले जगहों के आसपास पाई गई है। दूसरा, भड़काऊ पोस्ट का भी जिक्र किया गया है और एक हिंसा बड़कली चौक के आसपास का एसपी जिक्र कर रहे थे कि वहां जो हिंसा हुई, हिंसा करने वाले लोग वो लगातार मामन खान के संपर्क में थे। इनफैक्ट वो मामन खान के समर्थक भी बताए जा रहे हैं। ज्योति जी, कॉल रिकॉर्डिंग का रिकॉर्ड है। तंवर जी, आपकी पार्टी कैसे दिख रही है? जिस प्रकार से नूह प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार का दोगला चेहरा और चरित्र उजागर हुआ है, निश्चित तौर पर ठीक सूचना होने के बावजूद भी जिस प्रकार से धार्मिक यात्रा को सुरक्षा देने में सरकार की नाकामी रही, ये मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और तत्कालीन पुलिस महानिदेशक की संवैधानिक विफलता है। इसके अलावा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अतीत में भी करती आई है, हिंदू मुस्लिम के बीच में विभिन्न से बढ़ाकर आगामी चुनाव में जिस प्रकार से इनका प्रयास था राजनीतिक रोटी सेकने का, मैं आज सर्व समाज को बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कृत्य रहा और उसमें जो दंगा हुआ वो निस्संदेह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन फिर भी सर्व समाज ने समझा और इस मामले को उतना तुल नहीं दिया जितना भारतीय जनता पार्टी की इस मामले में तैयारी थी, उसके लिए सर्व समाज बधाई का पात्र है। और आम आदमी पार्टी का निश्चित तौर पे जो एजेंडा है, क्राइम फ्री, करप्शन फ्री और कम्युनलिज्म फ्री, कहने का भाव ये अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और सांप्रदायिकता मुक्त। तभी तो हमारी जेल में बंद है। अरे चुप बैठ भाई, अरे 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 चुप बैठ, चुप बैठ भाई, चुप बैठ। ज्योति जी ये बैठे, ज्योति जी, ज्योति ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। निश्चित तौर पे जावेद के खिलाफ अगर कुछ है तो गिरफ्तार करो उसको। हमने कब रोका? करो गिरफ्तार, गिरफ्तार करो, करो गिरफ्तार, मना किए पुलिस आपकी क्यों नहीं करते? करें गिरफ्तार, इतना शोर मचाने के लिए इंतजार कीजिए। कोई कोई बात नहीं, आप गिरफ्तार करें, कोई इशू नहीं। जावेद अहमद का गांव और उसका नंबर ऐसा है, जिसने अपराध किया है, जिसके खिलाफ साक्ष्य आए, आप गिरफ्तार करें, उसकी कोई बात नहीं। चौके आधार पे बात कीजिए, शोर मत मचाइए। इसके अलावा जिस प्रकार से विगत में केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों को राजनीतिक तौर पे प्रास करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, चाहे उसमें ईडी है, चाहे सीबीआई है, चाहे उसमें आपका
ईडी है और इसके अलावा एनसीबी नारकोटिक्स रिकॉर्ड का जो काम है उसमें मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से झूठा मुकदमा आर्यन खान पे इन्होंने दर्ज कराया था, ये उसी शैली के लोग हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना ये है, अगर कोई अपराधी है वो बचना नहीं चाहिए, और अगर किसी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है और जानबूझ के सरकार फंसाना चाहती है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो एविडेंस तो लू के एसपी खुद बता रहे हैं ना। देखिए हम जो कह रहे ना, मोदी जी अगर एविडेंस है तो गिरफ्तार करिए ना। लोग थे उनके एविडेंस है तभी तो गिरफ्तारी हुई है। खान सीधे संपर्क में थे, लू के एसपी की ओर से कहा गया कि उनके हम इस बात को मना ही नहीं कर रहे हैं। एविडेंस पे होती है गिरफ्तारी, एविडेंस पे ही होती है। अगर एविडेंस तो मानने की बात ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो अपराधी है, जिसने अपराध किया, निश्चित तौर पर गिरफ्तार होना चाहिए। मैं कानून का आदमी हूँ, मैंने 25 साल कानून में काम किया है और कानून में बिना साक्ष्यों के गिरफ्तारी नहीं। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर षड्यंत्र करके अगर झूठे साक्ष्य घड़े जाएंगे, जैसे आर्यन खान के मामले में घड़े गए, तो निश्चित तौर पर यह संविधान का उल्लंघन। देश में ही हो देवेंद्र, देश की बात है, वो भी देश की बात है, वो भी देश की बात है, वो पाकिस्तान की बात नहीं, अफगानिस्तान की बात नहीं है, वो भी भारत की बात है। और भारत में एक ही कानून है। लेकिन एक बात का सहमत आपकी, चलो एविडेंस आए, एविडेंस गिरफ्तार हुआ, एविडेंस के मुताबिक ही होगा सहमत और एविडेंस नहीं है। वैसे मैं बता दूं एविडेंस की बात, स्कूल का मामला हुआ था, पुलिस ने झूठी एविडेंस गढ़ के गुड़गांव में 6 महीने, वो भी होता है। अरे वो भी होता है, देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बर्बाद। अरे भैया मैं क्या कह रहा हूँ, ये गुड़गांव का स्कूल का मामला था, जिस प्रकार से पुलिस ने झूठी साक्ष्य गढ़ के गिरफ्तार किया था और बाद में असल अपराधी पकड़े गए, ये इसी देश का इसी प्रदेश की बात है। विषय पर रहते हुए यादव जी, आप लोग तो लगातार मामन खान को निशाने पर ले रहे थे, बार बार बीएचपी की ओर से अटैक किए गए, आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है मामन खान को, क्या कहते हैं? ज्योति जी, क्या मैंने आपके मुद्दा कार्यक्रम, आपके चैनल के माध्यम से जो बातें बताई उनमें कोई भी अगर इधर उधर की बात निकली हो? ये जितने साक्ष्य मिले हैं यही हमने कहा था, सोशल मीडिया पे उपलब्ध थे, उससे पहले विधानसभा से चलती है बात, और मैंने तो ये भी कहा है कि बहुत पहले से चल रही है ये कहानियां। ये तो उस दिन शुक्र है कि ये उबाला इनमें आया विधानसभा में, बातें इन्होंने अपनी अंदर की बाहर निकाली और फिर 31 जुलाई को इंप्लीमेंट में इन्होंने प्रत्यक्ष में उनको कार्रवाई के रूप में इनको दिखाया, पूरे देश को, पूरे विश्व को दिखाया इन्होंने, ये दंगाई है, ये अपराधी है और इनकी इंक्वायरी हो चुकी है। अब भी क्या क्यों हाथ मल रहे हो अपने अपराधियों के साथ, जो काले क्यों काले हाथ कर रहे हो आप? अपराधी है वो, अपराध साबित हो चुका है, जेल जा रहा है। नहीं साबित और, नहीं और हुआ, अरेस्ट चलिए हो जाएगा, गलत बात मत कहिए आप। FIR दर्ज हुई, अरेस्ट हुआ है ना जी, गिरफ्तार हुआ है, अदालत में पेश किया गया है, अदालत पेश हुआ, साबित भी होंगे। रिमांड पर लेकर पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस पूछताछ सरकार के पास, एजेंसियों के पास साक्ष्य है, साबित भी होंगे। आरोपी में आप अंतर जानते होंगे। और दूसरा मैं बता देता हूँ, आपका भी मैंने कहा, जावेद अहमद के कार्यकर्ता, जावेद अहमद के परिवार, जावेद अहमद के गांव के लोगों ने भी हत्या की है, उनका भी इंक्वायरी हो रही है, आप इंतजार करिए सुखबीर जी। और कांग्रेस का हो गया, आपके भी शामिल हो गया, और रेडू जी से बताना चाहता हूं कि ठहरिए, इतनी बड़ी अपराधियों की संख्या में आपके भी लोग आएंगे, देखना अभी नाम। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इतने आश्वस्त कैसे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ ज्योति जी, के मामन खान और मामन खान की टीम ने इन लोगों ने मेवात का भाईचारा खराब किया है, मेवात को बदनाम किया है, हरियाणा को बदनाम किया है, देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बर्बाद किया है और आर्थिक नुकसान किया। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मेवात में आना था, विकास होना था, उस समय उसको जानबूझकर बर्बाद करने का काम किया है। और एक और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सोना से लेके नल्लड़ और फिरोजपुर तक ये धार्मिक कॉरिडोर जो है ना बनना चाहिए, सरकार से मैं मांग करता हूँ। यहाँ पर हमारी गौ माता की हत्याएं होती है, जबकि ये देवताओं का स्थान रहा है प्राचीन काल से और पांडवों के टाइम से, और यहाँ पर आर्मी के सेंटर बनने चाहिए ताकि ये अपराधी अपनी इन गतिविधियों को इस तरह से फलीभूत ना करें। और मैं कहना चाहता हूँ, ये ब्रजमंडल की धरती है, इससे बाहर तुमने 3-4 साल से यात्राएं हो रही थी, तुमसे इन लोगों से सहन नहीं हो रही थी,
और इस ब्रज मंडल से जो कृष्ण जी की धरती है, जो गोमाता की सेवा की, कृष्ण जी ने जहां गोमाता की सेवा की वहां तुम गोमाता की हत्या कर रहे हो, उसका खून बहा रहे हो और वहां पर गोमाता चिल्ला रही है, वो तुम्हें जरूर भुगतना पड़ेगा, इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। और जो नल्लड़ से फिरोजपुर की जो शिव यात्रा, जो जलाभिषेक यात्रा है, मैं बता रहा हूं कि शिव भोले की तीसरी आंख को खोलने का काम तुमने ये अपराध करके कर दिया, तुमने भुगतना पड़ेगा और सारे के सारे अब सामने आने लगे हो, तुम्हारा अंत अवश्य है। देवेंद्र जी आगे चर्चा को ले जाते हो, उस्मानी जी इससे पहले भी आप कई डिबेट में मौजूद रहे हैं, इस विषय को लेकर हमने कई बार बात की है। बावन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकायदा सबूतों के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है, 2 दिन के पुलिस रिमांड पर। उम्मीद तो ये की जा रही कि 2 दिन में नो हिंसा से जुड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। मैडम अगर उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं तो वो सबूत भी गिरफ्तार होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था उनके पीछे फान लगाया। देखिए उन्होंने विधानसभा में एक बयान दिया और कपिल मिश्रा दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी DCP को धमकी देता है बीच चौराहे पे खड़े होकर कि तुमसे होता है वरना हम कर देंगे। मुख्य आरोपी तो पता नहीं कौन सी सुरक्षा दी हुई है, सुरक्षा के साथ घूम रहा है क्योंकि उसके पीछे मिश्रा लगा है। दूसरी बता दूं आपको, आजम खान का आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ, विधायक ही छीन ली, चुनाव करके दूसरा विधायक भी करा दिया और वो भाई जब बनी हुआ क्लीन चिट मिल गई। तो इनकी जो दो एक तरफा वाली कार्रवाई है तो दुनिया देख रही है, देश क्या पूरी दुनिया देखती है। बताइए इनसे पूछे क्या कपिल मिश्रा दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी नहीं था, क्या उसने DCP को धमकी नहीं दी थी खड़े होकर बीच चौराहे पे, उसके बाद दंगे शुरू हुए, गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ क्योंकि वो तुम्हें भी जा जाते हैं बहुत धैर्य से सुना इन्होंने, अब इनकी बारी है, इनका उत्तर कंप्लीट होने दीजिए आप। और खान अगर लगा गए साथ में तो क्या जांच में शामिल नहीं होंगे क्या? मैडम खान लगा है, अगर मामन खान है तो क्या उनके लिए कोई अलग से कानून होगा? संविधान ने कुछ अलग से कानून दिया है कि मामन खान है तो SIT के सामने भले ही ना आए, जांच में सहयोग ना करें। विशेष समुदाय के नाम पे, माइनोरिटी के नाम पे, सरनेम के नाम पे ऐसे एजेंडा चलाते रहेंगे, देश को बर्बाद करते रहेंगे क्या? होने देंगे क्या देश को बर्बाद? ऐसे दंगा, ऐसे दंगा करने देंगे क्या? तुम्हारे केंद्रीय मंत्री स्टेज पे खड़े होकर कहते हैं गोली मारो वगैरह वगैरह, लोगों को कत्लेआम की बात करते हो तुम, बीच स्टेज पे खड़े हो और यहाँ भर दो आके ये एजेंडे चला चला के देश को बर्बाद नहीं होने देंगे, ना करने देंगे। कभी कहा जाता है कि 15 मिनट दे दो हमें, कभी कभी यात्राओं पे हमला, कभी कहीं पे, ऐसे देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। आप तो देश बर्बाद कर रहे हो, ऐसे ऐसे नहीं होने देंगे। कानून कानून है और देश की जनता है, देश में दंगे करा रहे हो, आप सुनते नहीं किसी की बात। कानून है और देश की जनता है, कानून है तो कानून तो दो तरफा, एक तरफा कानून नहीं तो किया, कानून तो किया, अरेस्ट हो गया, कानून ने अपना काम किया, अरेस्ट हो गया। यादव जी देवेंद्र सिंह यादव जी आप सुन लीजिए, आप एक तरफा कार्रवाई, पहले आप कहते थे कि बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, गिरफ्तार किया गया, बकायदा न्यायिक हिरासत पर भेजा गया, ठीक है, कानून की तहत जमानत मिली, मोनू मारी सर को लेकर आप लोग कहते थे मोनू मारी सर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, अब मामन खान की गिरफ्तारी पर इतना पेन क्यों है? क्यों आखिर इतना जवाब क्यों नहीं देते आप? जवाब तो लो ना। हमारे तो ज्योति जी 200 कार्यकर्ताओं पे डिटेन किया गया बगैर किसी अपराध के। देवेंद्र जी मुझे आपको म्यूट कराना होगा, आप शांति से सुन लीजिए, बैठ जाइए शांति से। मैडम मामन खान, मैंने आपको पहले ही बताया था मामन खान के पीछे हाल लगाया, चाहे उसके पास खिलाफ सबूत हो या ना हो लेकिन वो गिरफ्तार जरूर होगा, ठीक है। दूसरी बात, जब ये इसकी बात करते हैं कि DCP को या वासी कमिश्नर को पता था के मामन खान इस ताजिश में शामिल है, उनको तो सिर्फ पता था, और एक आरोपी जो खुलेआम बीच चौराहे पे खड़े होकर DCP को दंगा देने की धमकी देता है, दंगा करा देता है, उससे सुरक्षा मिली हुई है। एक विधायक जिसको आरोप सिद्ध नहीं हो उसको आपने विधायकी खत्म करी, इसके पीछे भी खान लगा था, उसकी विधायकी खत्म करी और उपचुनाव करके दूसरा विधायक बिठा दिया, तो ये देश तरफा कार्रवाई नहीं है तो क्या है? आप बताइए ना, आपको सिर्फ ये देख रहा है कि मेहमान खान आप सारा जितना भी मामले की बात कर रहे हैं, उस्मानी जी एक बार भी कहेंगे हरियाणा जी एक बार भी कहेंगे कि अब
इसमें कुछ भी करोगे? अगर मामन खान दोषी है तो कानून उनके खिलाफ कार्रवाई हो, या उनके नाम के साथ खान लगा है तो आप बचाव करते रहेंगे? बचाव क्या? कानून का शासन है देश में, कानून के हिसाब से ना चले देश? एक बार भी आप ही नहीं कहेंगे कि अगर वो दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो? ये तो कांग्रेस भी कह रही है ऐसा। दोषी नहीं भी है ना तब भी वो जेल जाएगा, गारंटी है इस बात की, आप लिख लो। सरकार के साथ की बात है ना, उसको जेल नहीं भेजेंगे, सरकार को क्या करने मिलेगा? उसको जेल जरूर भेजेंगे, चाहे उसका आरोप सिद्ध हो या ना हो। आप मुझे बताइए, क्षेत्र का विधायक है कोई, उसके संपर्क में वहाँ की पब्लिक रहेगी या नहीं रहेगी? पुलिस कहती है एसआईटी में शामिल क्यों नहीं हुआ? एसआईटी बुलाने में शामिल क्यों नहीं हुआ? अरे एसआईटी ने बार बार बुलाया तो शामिल क्यों नहीं हुआ? शामिल जाते हैं एसआईटी के तो अंदर बनाइए ना आप उनको। जब कानून काम करता है तो काम नहीं करने देते, कैसे कहते हैं कानून कानून काम करे? बीच बीच में बोलते हैं, सुनने नहीं चाहते ये लोग। चलिए आप जल्दी अपनी बात कंप्लीट करें। मैं पूरी कर रहा हूँ ना बात, मैं बात पूरी कर रहा हूँ। वो ना तो किसी दंगे में शामिल था, ना कोई पत्थर फेंकते उसकी वीडियो, ना गोली चलाते उसकी वीडियो, ना AK-47 लेके गोली चलाते उसकी वीडियो है। सिर्फ वो वहाँ की जनता के संपर्क में विधायक है, वहाँ का वो जनता नहीं, वो हिंसा भड़काने वालों के पक्ष में थे, ये कहा जा रहा है। उनके समर्थक हिंसा भड़का रहे थे, उनके समर्थक गानों को आग लगा रहे थे, ये नू के एसपी ने कहा गया। नहीं नहीं नहीं, नू के पुलिस कप्तान भी उसे कहा गया। आप नहीं कर सकते, ना तो पुलिस पर यकीन कर रहे हैं, ना आप अदालत पर यकीन कर रहे हैं जिसमें दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया, ना आप एविडेंस पर यकीन कर रहे हैं। केवल खान लगा गए इस बात का नहीं, एविडेंस पे उनके खिलाफ है। आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं ना, मैं जवाब ले लेती हूँ। कटारिया जी, क्योंकि वो मुस्लिम है इसलिए आपकी सरकार साजिशन उनके खिलाफ कार्रवाई करवा रही है। मुस्लिम कवर कर रहे सबसे पहले तो एसआईटी के बार बार बुलाने के बाद वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए और शामिल जांच में शामिल नहीं हुए, और उन्होंने फोन पर एसआईटी को बताया, पुलिस कप्तान को बताया कि मैं उन दो दिन था ही नहीं, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, जबकि उनकी फोन लोकेशन वही मिलती है, उन लोगों के संपर्क में मिलते हैं, उनकी फोन लोकेशन भी वही शामिल थे, उस हिंसा में वो शामिल थे, ये फोन लोकेशन बताती है, तो रिकॉर्ड है। जब टेक्निकल रिकॉर्ड तो थोड़ी नहीं बता सकते इन सारी बातों से, इन सारी बातों से। हाँ, एसआईटी ने आपको पुलिस कप्तान ने बताया, पुलिस कप्तान ने सार्वजनिक करी है बातें, मैं नहीं जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, पूरे लाइव लोकेशन कहा है, ऑन एयर कहा है, उन्होंने प्रिंट मीडिया के माध्यम से बताया कि उसकी लोकेशन दो दिन की यही मिली है, अगर किसी ने झूठ बोला कि मैं दो दिन यहाँ था ही नहीं, इन सब बातों से पता चलता है कि उसके आरोप जो तय होने हैं उसके सबूत के साथ वो दोषी पक्का मिलेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पहले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, पहले दिन मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, दोषी चाहे कोई भी हो। अब देखिए किस प्रकार की राजनीति आप करना चाहते हैं, आप लोगों को दोबारा से वो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं क्या? आप उसको हरियाणा से अलग करना चाहते हैं कि आप हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं समझते हो क्या उसको? आप देश के नागरिक नहीं होता सर मानी चाहिए आप से धरती इनको रास नहीं आ रही। पाकिस्तान पाकिस्तान जाओ ना, पाकिस्तान देखो ना क्या हाल हो रखा है। इतनी बड़ी हिंसा वहां हुई, इतने लोग वहां मारे गए, आपको शर्म नाम की चीज नहीं है? आप लोग उसके पक्ष में खड़े हैं, शर्म आनी चाहिए। एक दो साल पाकिस्तान होया होया थे क्यों नहीं है? किस प्रकार की राजनीति चल रही है, शर्मानी चाहिए आप लोगों? अरे देश हित में पढ़ो, राष्ट्र हित की बात करो, प्रदेश हित की तो बात करो। आज जहां धरोहर पार्टी का भी थे ऊपर, उसका अगर बात करेंगे तो वो दोषी है, उसको खून खराबा करने में दोषी है, देश की और प्रदेश की हालात खराब करने में वो दोषी है, और उस दोषी को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी दल का हो, चाहे कितना बड़ा नेता हो, चाहे कोई कितना बड़ा आदमी है, उसके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दो किसी को भी, एक ऐसा सबक माननीय मुख्यमंत्री ने सिखाएंगे आने वाले समय में, कोई रू नहीं करेगा कि इस प्रकार का दंगा भड़काने की कोई बात करे। रमन जी अभी तक कोई, देखिए आप हैं फोन लाइन पर, रमन सिंह जी? जी मैं हूँ। अभी तक हुड्डा साहब की बात करें या दूसरे बड़े नेताओं की बात करें, कोई बयान ऐसा नहीं आया कि जिसमें साफ साफ ये कहा जाए कि गलत हुआ है मामन खान को लेकर, या सीधे बचाव किया गया हो? क्या आप उदय बान जी बड़ा नेता नहीं मानते? उनका बयान उनका ठीक है, आपने पूछ लिया तो मैं शुरुआत में ही आपको रोकते हुए, उन्होंने कहा है कि अगर विधानसभा के बयान के आधार पर अगर गिरफ्तारी हुई है तो गलत है, अगर सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है इसमें, कानून अपना काम करे, ये बयान आया। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, बयान जब एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दे देते हैं तो वो सर्वोपरि बयान होता है सब नेताओं का। दूसरी बात, जैसे माननीय उदय भान जी ने कहा, ये पूरी पार्टी का स्टैंड है कि अगर आप एक उस बयान के आधार पे
ये सब कर रहे हो तो ये गलत है। अगर कहीं कोई और बात है तो आप अपनी जांच करें। लेकिन प्रथम दिन से जब कांग्रेस पार्टी के तमाम सीनियर लीडर, चाहे वो माननीय उदय भान जी थे या माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमान उपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे या और तमाम लीडर थे, सबने कहा कि इस मामले में कुछ और दिखाई देता है, इसलिए इस मामले की जांच माननीय हाई कोर्ट के नेतृत्व में जुडिशियल जांच हो, कमेटी बनाई जाए, कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। उसमें ज्योति जी एक पॉइंट है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से रख रहा हूँ, ये लोग कह रहे थे पहले दिन से कि कांग्रेस ने करवाया और कांग्रेस ये कह रही थी कि जांच कराओ और ये जांच से भाग रहे थे। इनको चुप कराएंगे सुरेश कटारिया जी, आप क्यों बोलने लग जाते हैं दूसरे के बारे में? इनको पता नहीं क्या बीमारी है, ये इतनी देर से बोलते हैं। अरे आपको जानकारी नहीं है, सुरेश कटारिया जी आपने अपनी बात पूरी की थी, उसके बाद में डिबेट में आगे बढ़ी। और यादव जी आप भी सर ये समय बर्बाद ना करें, नहीं नहीं चिल्ला चिल्ली में समय बर्बाद ना करें। कोई बड़ी मजबूरी होगी, आप इसको नहीं रोक सकते। कमाल कर रहे, मैं रोक नहीं रही हूँ क्या? आप इसको म्यूट क्यों नहीं कर रहे? मैं कर दूंगी म्यूट जब करना होगा, मैंने इनको रोक दिया, शांति से सुन रहे हैं। अगर इस माहौल में डिबेट होगा तो 2,70,00,000 हरियाणवी देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, आपके अलावा कोई नहीं बोल रहा है। मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा, जब पहले दिन से कहा है कि इस मामले की जांच माननीय हाई कोर्ट के नेतृत्व में कमेटी बना के की जाए, जब उसको सभी विपक्षी पार्टियों ने कहा है तो सरकार के दो चेहरे ना दिखाई दें, जांच हो, जांच से किसी को परहेज नहीं है। लेकिन मैं, आपने जैसे कहा कि एसपी ने ये कह दिया या प्रशासन के किसी अधिकारी ने कह दिया, हाँ। मुझे एक चीज बताइए ना, जब ये यात्रा चल रही थी क्या डीसी साहब वहां ड्यूटी पे थे, एसपी साहब थे, सब प्रशासन के तमाम पदाधिकारी कहां थे सबको पता है। ये माहौल क्या बनाया जा रहा है इस चीज को समझने की जरूरत है बस, और ये हरियाणा की जनता समझ चुकी है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, एक कानून है कहीं, एक संदीप सिंह के खिलाफ हरियाणा का कुछ दूसरा कानून दिखाई देता है। वो चंडीगढ़ का मामला है, चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है, चंडीगढ़ पुलिस को डिसाइड करना है कब गिरफ्तार करना है, नहीं करना है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो टेक्निकल और जो फैक्चुअली जो ठीक है वो कह रही हूँ। आप टेक्निकल तो इसमें भी है ना, आपने तो आप हरियाणा को क्यों बीच में ला रहे हो? चंडीगढ़ में जांच कर रही हूँ, मैं आप लाऊं क्या? मैं नहीं, आप नहीं समझते, आप इस तरह की बयानबाजी ना करें। चंडीगढ़ का मामला नहीं है क्या? चंडीगढ़ पुलिस को नहीं करना है गिरफ्तार, जब करना नहीं करना है, अदालत को डिसाइड करना है, अदालत ने अग्रिम जमानत दी। राजधानी नहीं मानते क्या? अरे कमाल कर रहे हैं आप, कमाल कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। आप चंडीगढ़ को हरियाणा की राजधानी नहीं मानते क्या? तो उससे क्या हो जाएगा? क्या चंडीगढ़ पुलिस हरियाणा सरकार के अंदर आ जाएगी? रमन जी आप ऐसी नहीं, कोई सिर पैर की बातें करें। हरियाणा सरकार नहीं चलती क्या? हरियाणा की सरकार चंडीगढ़ अदालत ने इनको बेल नहीं दी क्या? तब भी इनका सेटिस्फेक्शन नहीं है, अदालत ने इनको बेल ही नहीं दी। इसको आप चुप नहीं करा सकते, आप बताइए बीजेपी वालों के। आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी का अभाव है रमन जी, आप टाइम किल कर रहे हैं, प्रदेश की जनता के सामने झूठ परोस रहे हैं। चले चर्चा को आगे ले जाते हैं। कटारिया जी आप अपने समय में बोला कीजिए। दिखाई देती है कानून की मजबूरी सबको दिखाई देती है, इन सबको आप क्लीन चिट दे दो, कटारिया जी को अकेले बुलाओ, दूसरे प्रवक्ताओं को बुलाओ। आज आप विषय पर कम बात कर रहे हैं, आप एंकर पर ज्यादा अटैक कर रहे हैं, म्यूट क्यों नहीं करवा रहे हैं? संदीप सिंह के पक्ष में कौन बोल रहा है? क्या ये फैक्चुअली ठीक नहीं कि चंडीगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है? आप गलत बोलेंगे तो गलत की हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं बैठ रहे यहाँ पर। सबको बराबर देखिए, सभी को। आप विषय पर बात करिए, आप विषय पर बात करने के अलावा सभी बातें कर रहे हैं, आप डिरेल कर रहे हैं विषय को। मर्यादा का है, आप उसको रखे, कायम रखे उस मर्यादा। आप विषय पर अपना उत्तर कंप्लीट कर चुके हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा। आप मामन खान पर एक बात नहीं कह रहे, इधर उधर घुमा रहे विषय को। किसी को बोलने नहीं देता सरकार, किसी की सुनती नहीं,
ये क्या, ये क्या मामन खान पर बोल रहे हैं आप? ज्योति जी चोर के पैर नहीं, विषय पर दुमाते नहीं करेंगे। आप मामन खान पर बोल रहे हैं? ठीक है, आपने फोन काट दिया, अभी दूसरे प्रवक्ता को जोड़िए, रमन जी को मत जोड़िएगा। मामन खान को लेकर एक बाकी नहीं बोलना है। रेडू साहब ये देखिए, बार 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 ये कहा जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया, गलत किया गया, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो, तो क्या प्रशासन जो जांच कर रहा है, जो एविडेंस की बात सामने आ रही है, एसआईटी दो बार तलब करती है, मामन खान नहीं जाते हैं, उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है, तो क्या कोई सवाल उठाए जाने की गुंजाइश होनी चाहिए? नहीं ज्योति जी, देखिए मामन खान को जांच में शामिल होना चाहिए था और होना पड़ेगा। वो सीधे जांच में शामिल होते तो शायद कोर्ट के माध्यम से उनका दो दिन का रिमांड ना भी होता, ये स्थिति भी पैदा हो जाती। लेकिन 100 बात की एक बात यह है ज्योति जी, क्योंकि सरकार जो जांच करती है और सरकार जो रवैया अपनाए हुए है, तो सरकार के रवैये के ऊपर देश प्रदेश के लोगों को संदेह हो चुका है, विपक्ष को भी और प्रदेश को लोगों को भी, यह है कि सरकार निष्पक्ष जांच नहीं करेगी। इसलिए विपक्ष ने ये डिमांड पहले दिन से 31 जुलाई से ये डिमांड की थी कि चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बंदा हो, चाहे वो कांग्रेस का बंदा हो, चाहे किसी अन्य दल का बंदा हो, चाहे आम नागरिक हो, यदि कोई दोषी है, यदि कोई ऐसा चरित्र का व्यक्ति है जो प्रदेश की शांति को खराब करना चाहता है और इस तरह की पोस्टें करता है, इस तरह के भाषणबाजी करता है जो कि आग दंगे भड़का सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए, एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्योंकि सभी को जांच के ऊपर शक था, इसलिए ये कहा गया था कि हाई कोर्ट की जुडिशरी के एक व्यक्ति को लेकर के, जो जस्टिस को लेकर के, उसके द्वारा एक कमेटी बनाई जाए और उसमें जांच हो, ताकि सभी के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये सरकार इस कमेटी से क्यों भाग रही है, न्यायिक जांच से क्यों भाग रही है, यहाँ पर ये संदेह खड़ा करने का मौका क्यों किसी को दिया जा रहा है, क्यों नहीं पहले दिन से ही सरकार ये घोषित करती? क्योंकि देखिए मामला एक हाई प्रोफाइल मामला है, एक विधायक का मामला है जो कि एक जनप्रतिनिधि है, हाई प्रोफाइल मैटर है, तो उसकी जांच तो वैसे भी जो ना सिटिंग जज से बनती है, ये कोई आम मामला नहीं है, वैसे भी कोर्ट हाई कोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला में लिखा है। लेकिन सरकार इससे बच रही है तो कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में आती है। दूसरी बात जो है तो बताइए, अपराध करेगा। दूसरी बात और उसको भी कटारिया साहब, आपको टाइम मिला ही नहीं था, आपको टाइम मिला ही नहीं था, और ऐसे क्यों खराब करते हो? दूसरी बात ज्योति जी, इनको चुप करवाइए आप, वही बात फिर ये बीच में कूदना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात ज्योति जी, देखिए अब आप ये कह रहे हैं कि हाँ मोनू मानेश्वर को भी गिरफ्तार किया गया और बजरंगी को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब तक वो गिरफ्तार नहीं हुए, आप वो पुरानी वीडियो निकाल करके देखिए ज्योति जी, बहुत बार डिबेट हमने आपके साथ की है, जब तक वो अरेस्ट नहीं किए थे पुलिस ने, ये चाहे सुदेश कटारिया हो और चाहे वो दूसरे साथी यादव जी हो, उनको बड़ा पाक साफ बता रहे थे और बिल्कुल उनको ये कह रहे थे ये तो है ही नहीं, इनका कोई कसूर ही नहीं है। अब वो पुलिस ने पकड़ लिया और राजस्थान पुलिस ने उसके सारे पर्दे उखाड़ने का काम किया, सारे पत्ते खोलने का काम किया, आज वो दोषी होगा, वो भी ये भी तो उनको इसी प्रकार से जो ना राम और लक्ष्मण आज जिस कोर्ट ने भी मानना है वो, और उसके बाद नहीं 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 वो मैं था वो, कल पे भाई उसको वो पेश किया, माना है कि हाँ वो एविडेंस और उसपे प्लानिंग बनाई और 8 दिन पहले प्लानिंग बनाई गई थी, ये पुलिस का बयान है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। ज्योति जी क्या पूछ रहे थे आप? ठीक है, आपकी बात यहाँ कम्प्लीट होती है सर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फिर वही बात आती है कि निष्पक्ष जांच कर, तंवर जी पुलिस जो जांच कर रही है, एसआईटी का गठन किया गया है, उस पर यकीन ना होना, कम से कम जांच में तो शामिल होना चाहिए था, या फिर न्यायिक जांच की बात पर अड़े रहे और पुलिस और कानून अपना काम कर रहे उस पर केवल सवाल उठाते रहे। ज्योति जी आखिर जांच जो चल रही है उस पर संदेह क्यों पैदा हुआ, उसका मैं विवरण आपको देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है और दिल्ली और चंडीगढ़ के पुलिस के मुखिया कौन है? माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, जो एक वक्त में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे तड़ी पार रह चुके हैं। ब्रिजभूषण शरण को एक प्रोसिक्यूटरिक्स की स्पेसिफिक कंप्लेंट के बावजूद गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया उस वक्त, दोहरा मापदंड क्यों? और वही संदीप सिंह के मामले में वही दोहरा मापदंड क्यों? निश्चित तौर पे आज जिस प्रकार का प्रकरण सामने आया है, हरियाणा की सरकार और केंद्र की सरकार
जो विफलताएं विगत के करीब 9 वर्ष से ज्यादा के समय में रही हैं, उन विफलताओं को ढकने का प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से हरियाणा में शिक्षा के हाल हैं, हजारों स्कूल बंद हैं, और दिल्ली और पंजाब में जिस प्रकार से शिक्षा की एक नई रोशनी आई है, उसमें सब शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन सुरक्षा सबसे पहले। नहीं नहीं, जब कानून नहीं, सुरक्षा ज्योति जी, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, सुरक्षा की जिम्मेदारी किस, मैंने प्रथम वक्तव्य में क्या कहा था? कानून व्यवस्था को बनाकर रखना सरकार की जिम्मेदारी। मैंने प्रथम वक्तव्य में यही कहा था, सरकार की विफलता है, मुख्यमंत्री की विफलता है, गृह मंत्री की और तत्कालीन पुलिस महानिदेशक की इनपुट होने के बावजूद आखिर वो यात्रा को सुरक्षा क्यों नहीं दे पाए? प्रथम लाइन यही है। लेकिन मैं पुनः उस बात पे आता हूँ, ये किन मुद्दों से ध्यान को भटकाना चाहते हैं? स्वास्थ्य के हालात बड़े खराब हैं, बिजलियां सबसे महंगी है, और दिल्ली और पंजाब में जिस प्रकार से फ्री बिजली है और सड़कें यहाँ चलने के लायक नहीं है। अब गुड़गांव के हालात देख लो, हरियाणा के किसी भी जिले का हालात देख लो, और कृषि में जिस प्रकार से DAP और यूरिया थानों बिकवा दिया, इससे बुरी कोई बात हो सकती है? और कृषि में ही हमारे यहाँ नजदीक गुड़गांव में 2 धरने चल रहे हैं, 55 नहीं, उन विषयों को ढकने का प्रयास है। इसे ये कह रहा हूं मैं, जिस प्रकार से 1810 एकड़ और 1128 एकड़ में जो सालों से किसान बैठे हैं, आखिर 10 से 20 करोड़ की जमीन को ये मात्र 55 लाख में लूटना चाहते हैं? इन विषयों पर जवाब दें, इन विषयों पर कोई जवाब नहीं है। और बेरोजगारी में जिस प्रकार से हरियाणा नंबर 1 है आंकड़े इस बात के, और महिला सुरक्षा जिस प्रकार से संदीप मंत्री के खिलाफ सब कुछ हो लिया, और मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं? त्याग पत्र नहीं 3 बार हाथ मारते हैं, ये बेशर्मी का बात, इसके अलावा कुछ नहीं है। और परिवार पहचान पत्र के नाम पे 5 लाख पेंशन इन्होंने काट दी, और 10 लाख से ज्यादा राशन कार्ड काट दिए, इन विफलताओं में जवाब दें। और प्रॉपर्टी ID में पूरे हरियाणा में जिस प्रकार से लूट हुई है, अरे बैठ जा, और भ्रष्टाचार में जिस प्रकार से शराब घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, कौशल विकास में घोटाला हुआ, HPSC में घोटाला हुआ, नगर निगमों में घोटाला हुआ, और पंचायतों में 9 साल में से 4 साल से ज्यादा जो छुपाना चाहती है सरकार, हम उस बात की यहाँ पर। और जो आपका शिक्षा से मतलब नहीं, आपका कोई मतलब नहीं, आपका शिक्षा से कोई मतलब नहीं, आपका शिक्षा से कोई मतलब है? मैं बताता हूँ शिक्षा का उदाहरण, अरे बताता हूँ, हजार स्कूल बंद कर दिए, क्या आपने जी बताते हैं? हजार स्कूल सरकार ने बंद कर दिया, ना प्रोटेस्ट किया आपने, उदाहरण है 1 साल पहले का, कहां जा रहे हैं यादव जी? शिक्षण संस्थानों का उदाहरण है, GD गोयनका में क्या हुआ, वहां जी आदियों ने क्या क्या किया, वहां कैसे कैसे मामला, दो महीने अभी विषय पर बात करें, यूनिवर्सिटी बंद रही, इनका ही विषय है वो, शिक्षण संस्थानों को चलने दे रहे हैं, मेडिकल कॉलेज जो अपनी मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज में जिनको गोलियां लगी उनकी हत्या हुई, नू में हत्या की मेडिकल कॉलेज में, क्या स्वास्थ्य है, क्या शिक्षण संस्था बंद कर दी है, उसकी बात है ना, स्वास्थ्य है, शिक्षण संस्था चलने देगा कोई जब ना, पार्टी का प्रमुख का जवाब देगा, अपने आपके आपके चाहते चलने देंगे ना इनको, वैसे ही फेंक रहे हो, शिक्षा के नाम पे आपकी कोई भूमिका नहीं, ये लिस्ट लेके बैठ जाते हो रोजाना। जी यादव जी, आप दोनों को मैं म्यूट करा रही हूँ सर, आप दोनों को म्यूट करा रही हूँ, चिल्ला चिल्ली नहीं, समय बर्बाद नहीं करेंगे आप लोग। उस्मानी जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ मैडम, मिल रही है आवाज। न्यायिक जांच की मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी, हाईकोर्ट के सिटिंग जज जांच कर रही, रेडू साहब भी कह रहे हैं, दूसरे विरोधी दल भी बार बार ये कह रहे हैं कि आप क्यों जांच करा रहे हैं पुलिस से, आप न्यायिक जांच करा रहे हैं? देखिए मैडम, जरूरी है न्यायिक जांच करानी, असल में क्या है, दबाव बनाते हैं लोग, कुछ का कुछ करा देते हैं, इस सरकार का आपको पता तो है, ये सरकार का एक ही काम है सिर्फ हिंदू मुस्लिम, ना तो शिक्षा पे काम करेंगे, ना रोजगार पे, ना महंगाई पे, किसी चीज पे कोई काम नहीं, जिनका काम है सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिमों को आपस में भिड़ाना। आप बता दीजिए हरियाणा में इससे पहले कब दंगे हुए, आज तक का रिकॉर्ड है, इतना भाईचारा है हरियाणा में, कभी दंगा ही नहीं हुआ, अभी इन्होंने आप इस कदर माहौल खराब कर दिया, क्योंकि जब हादसे चीज फिसलती हुई दिखाई देती है ना, तो उनको इनके पास ऑप्शन यही रह जाता है कि हिंदू मुस्लिमों को आपस में भिड़ाओ, दंगा कराओ, साइबर धाड़ा फूका, अभी कुछ महीने पहले 500 अपराधी मस्जिद में आग लगा दी, गुड़गांव में मस्जिद में आग लगा दी, एक मौलाना को मार दिया गुड़गांव में, जिंदा जला दिया, उसका कोई जिक्र नहीं करेंगे, एक बार भी इनके जो BSP के बैठे हैं जो और BJP के, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि उन आतंकवादियों को पकड़ो जिन्होंने एक मौलाना को जिंदा जला दिया, मस्जिद में आग लगा दी, नहीं कहेंगे,
तो तू पुलिस के पास, अब पुलिस चलाओगे 5,000 डीसी भी बयान दे देता है, 5,000 उसको नहीं कहोगे सर, उनके संपर्क में थे क्या ये पता चकरा के जिन्होंने मौलवी का कत्ल किया वो उनको किन किन नेताओं के संपर्क में थे, उनकी कॉल डिटेल निकाली, अपराधी होंगे। अरे सर इंक्वायरी हमें पता है कैसी चलती है, आपकी इंक्वायरी में बताओ कैसी होती है, आपकी इंक्वायरी अरे आपकी इंक्वायरी का एग्जांपल दे दूं, कपिल मिश्रा सिक्योरिटी में घूम रहा है, आपकी इंक्वायरी इतनी है कपिल मिश्रा सिक्योरिटी में घूम रहा है, आपकी इंक्वायरी इतनी है उनको। मैडम प्लीज सुन लीजिए, उनका नहीं बोलोगे 40 लोग, क्या परेशानी है आपके साथ, ऐसे देश की जनता को नहीं बोलने देते, ऐसी डिबेट में नहीं बोलने देते, ये तो दमंग है ना। अब अपनी बात पूरी करें, किसी भी पार्टी, देखिए मैडम एक तो मामन खान, दूसरा वो कांग्रेस का, दो प्लस पॉइंट इनको मिल गए इस पार्टी को, अपोजिशन को, मामन खान है प्लस कांग्रेस का। अब ये साबित करना चाहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम हित की है इसलिए उसको बता रही, अरे जब किसी के सरकार के पास कोई सबूत नहीं इसके खिलाफ तो पार्टी यू कहे कांग्रेस कि हमारे विधायक जेल में फूस दो उठा के, ये कहे एक डीसी, अभी कोई प्रूफ नहीं हुआ कुछ भी, जहाज को बचाने के लिए पहले सोच रहा था एक नया कानून भी है, अरे ये अपराध करने से पहले सोचना था कि कानून भी काम करेगा। सुन लीजिए सर जनाब, सुन लीजिए थोड़ी सी सुन ले फिर आप ही बोलना, अकेले ही बोलते रहना मैडम, इनके अकेले के डिबेट कर लेना है किसी दिन, ये किसी को पहली बात तो यहाँ भी बोलने नहीं देते, और दूसरी बात अगर कोई कोशिश करता है ना कि इसके बचाव की तो उसको इस तरीके से तोड़ मरोड़ देते हैं ना बात को, इन्होंने अब साबित कर दिया है कि वो मुख्य आरोपी है, मुख्य आरोपी बना दिया उसको, अभी ये कह रहा है कि वो नहीं है उस्मानी जी, तो डर किस बात का है, जांच से डर क्यों है, जांच से डर क्यों है, मैं बताता हूँ ना डर किस बात का, किसी आम आदमी को पकड़ लेना पुलिस उसको भी अपराधी साबित कर देगी अगर दबाव आ जाए इस पर, डर इस बात का है, जब वो कहता है न्यायिक जांच कराए तो आपको किस बात का डर है न्यायिक जांच कराने में, जब वो कहते हैं विधायक कि न्यायिक जांच चाहिए मेरी हाई कोर्ट के जरिए जिससे भी करानी है तो आप क्यों घबरा रहे हैं फिर कराने में, आपको किस बात का डर है, क्या वो गलत जांच कर देंगे, वो गलत कर देंगे SIT से, तो मुझे लगता है ज्यादा नॉलेज होगी एक रिटायर्ड जज को हाई कोर्ट के, तो वो गलत जांच कर देंगे, जब वो उसकी मांग कर रहे हैं, जब उनको विश्वास नहीं है SIT का तो जाहिर सी बात है उनसे दूसरी किसी उससे जांच करवा दी जाए उनकी, लेकिन नहीं खुद मामन खान भी हाई कोर्ट गए, IG स्तर के अधिकारी की अगुवाई में SIT जांच करे ही मांग की गई, वो भी SIT की मांग कर रहे थे मैडम, नहीं सुनवाई होगी उनकी सुनवाई होती कहाँ है, ये तो जांच होने से पहले, जांच होने से, अरे सुन लीजिए जांच होने से पहले VIP जेल चाहिए, जांच होने से पहले अपराधी सिद्ध कर देते हैं, जांच होने से पहले, आखिरी कमेंट के लिए कटारिया जी, कटारिया जी अभी आपने उस्मानी जी को सुना और दूसरे जो विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता हैं वो भी ये कह रहे हैं कि आप लोग मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिमों पर अटैक कर रहे हैं, उस्मानी जी आरोप ये लगा रहे हैं कि आप कांग्रेस को प्रो मुस्लिम पार्टी साबित करने में लगे हैं। देखिए ज्योति, सबसे पहले तो जो मामन खान से आज पक्ष में लोग खड़े हैं, चाहे कोई पार्टी है, कोई व्यक्ति है, चाहे कोई संगठन है, मुझे नहीं लगता वो देश और प्रदेश हित में है। हेलो जी बोलिए ज्योति जी, जो आज मामन खान के पक्ष में खड़े हैं, चाहे पार्टी है, चाहे दल है, चाहे कोई संगठन है, मुझे नहीं लगता वो देश और प्रदेश हित में है, सब कुछ तथ्यों के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई है, बात ये अदालत की कर रहे हैं, कौन से संविधान में लिखा है कि एक विधायक की जांच अदालत से करवाई जाए, अदालत की बात इनकी बात वो बड़ी कर दो, अदालत में खुद चले गए हैं, अदालत ने सारे तथ्यों को देखते हुए 2 दिन का रिमांड दिया है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, आज भी अगर कोई व्यक्ति मामन खान के पक्ष में खड़ा है देश और प्रदेश हित में नहीं है, प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है, मैं पहले भी तय कर चुका हूं, बता चुका हूं मुख्यमंत्री की तरफ से कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बिल्कुल CM भी कह चुके हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। रेडू साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आखिरी कमेंट आपका। जी हाँ, मैं हमारे प्रबुद्ध प्रवक्ता भाई कटारिया जी से ये पूछना चाहता हूँ कि कौन से संविधान में लिखना है कि रिटायर्ड जज से या सिटिंग जज से जांच नहीं करवाई जाएगी, ये कौन से संविधान के कौन से संविधान में लिखा है कि करवाई जाएगी, रिटायर्ड जज से या कौन से संविधान में लिखा है कि करवाई जाएगी, करवाई जाएगी वो पेज नंबर आप मुझे बताने का काम करें प्लीज, वो दिखाने का काम आप ये बता दीजिए कौन से संविधान में लिखा है कि नहीं करवाई जाएगी, आप बताइए, ये बताइए कि कौन से संविधान में लिखा कि जांच नहीं करवाई जाएगी, आज तो अदालत में चला गया, ये कहाँ लिखा के नहीं करवाई जाएगी, आप ये बताइए ना कहाँ लिखा के नहीं करवाई जाएगी, जब जरूरत होती है आम व्यक्ति की जांच भी, आम व्यक्ति की जांच भी, अरे चुप हो जा भाई, तो बकबक करने से कोई फायदा क्या,
आम व्यक्ति की जांच भी रिटायर्ड जज से करवाई जा सकती है, आम व्यक्ति की जांच भी सिटिंग जज से करवाई जा सकती है, और मामला देखा जाता है, मैटर देखा जाता है किस लेवल का मैटर है, और उस मैटर के अनुसार यदि कोई विश्वास नहीं होता है उसकी डिमांड होती है तो फिर जज वहां से जांच करवाई जा सकती है। आपको तो ये नहीं पता आरोपी क्या होता है और दोषी क्या होता है, अभी तो आप कह रहे थे आरोपी क्या होता है दोषी क्या होता है, उसका तो शुक्रिया रेडू साहब, बहुत शुक्रिया कटारिया जी, सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। कांग्रेस हालांकि डिबेट से बीच में ही चली गई क्योंकि मामन खान का मामला, मामन खान को गिरफ्तार किया गया, दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, नोहिंसा से जुड़े सबूत सामने आए हैं, पुलिस का कहना है अब इन दो दिन में पूछताछ के दौरान क्या कुछ सामने आएगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।